वैसे एक चीज मैं नोटिस की यहाँ तक इसको लाने में कि इस पे लोड बिल्कुल नहीं पड़ रहा, कैसा भी रोड आए मतलब फ्लैट आ रहा है या फिर यहाँ पे चढ़ाई आई है तो पोटैटो की हार्वेस्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया, मतलब ये पोटैटो क्रॉप रेडी हो चुकी है। तो जुलाई का मंथ आ चुका है और अपनी पोटैटो की क्रॉप रेडी हो चुकी है हार्वेस्ट होने के लिए, और अभी ऊपर बैलेंस दिख रहा होगा तो बैलेंस सिर्फ 1,42,000 यूरो बचा है और लास्ट टाइम मिलियन से भी ऊपर बैलेंस था। तो अब ये सोच रहे होगे कि ये बैलेंस इतना कम क्यों हो गया, ये बैलेंस सारा का सारा मैंने खर्च कर दिया है 3 नए खेत परचेज करने में, और वो खेत जो है बहुत सही लोकेशन में मैंने परचेज किए हैं, और उसके अलावा मैंने एक बड़ा चेंज भी कर दिया है। वो बड़ा चेंज मैंने ये किया है कि जो पीछे वाले खेत में यहाँ पे मैंने सोलर फार्म बनाया हुआ था वो मैंने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये उल्टी डायरेक्शन में आ रहा था। मैं दिखाता हूँ, यहाँ से ये इस साइड को लगा हुआ था और सन इस साइड होता है तो ये नीचे की साइड था, तो इतना सही एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा था। और ये वाला खेत मुझे वैसे भी चाहिए था, यहाँ पे जो है मैं कुछ क्रॉप लगाने की सोच रहा हूँ, ये अपने फार्म के बिल्कुल पीछे ही है तो अपने एनिमल्स के लिए जो फूड वाली क्रॉप लगाने मतलब शोरगुम या वीट, और सोलर फार्म को मैंने मूव कर दिया नई लोकेशन पे, और वो नई लोकेशन काफ़ी ज़्यादा सही है। इवन मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे एक फार्म हाउस भी बना लूँ या फिर एक कैंप लगा लूँ, और उस लोकेशन पे काफ़ी सारे घर हैं और उस लोकेशन पे 3 नए खेत मैंने परचेज किए हैं, उनमें से एक खेत के ऊपर थोड़ी माउंटेन है, माउंटेन के वहाँ पे मैं जो अपना सोलर फार्म लगाया है, तो एक बार उसी लोकेशन पे चलते हैं और दिखाता हूँ वो लोकेशन क्या सही लोकेशन है वो, और इस वाली गाड़ी को लेके चलते हैं। और ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, वैसे इसके भी टायर वगैरह काफ़ी गंदे हो रखे हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको साफ़ कर ही लेता हूँ, एक मिनट लगेगी। अपना एक जो है प्रेशर वॉशर तो यहाँ पर रखा हुआ है और एक अंदर प्रॉपर वॉशिंग स्टेशन भी है, तो यहाँ से जो है प्रेशर वॉशर ले लेता हूँ और इसके जरा टायर वगैरह ये साफ हो जाएंगे। तो ये साफ तो हो गई, अब बस इसे निकाल लेता हूँ यहाँ से और चलते हैं सीधा उस लोकेशन पे। उस लोकेशन में मैंने 3 खेत जो लिए हैं उनमें भी कुछ फसल लगी हुई है, एक में तो जो है कॉर्न लगे हुए हैं और बाकी 2 का मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो भी अभी देख लूँगा। और यहाँ से वो काफ़ी दूर है और वो खेत जो है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर खेत है, तो अपने मैप पे जो पहले 3 खेत हैं वो मैंने अब जाके परचेज किए हैं, और जो मुझे स्टार्टिंग में मिले थे वो 24, 25, 26 या 27 नंबर खेत थे, और इधर के सारे खेत तो जो है उसके आगे के नंबर के हैं, और जहाँ से इस मैप की स्टार्टिंग होती है वहाँ स्टार्टिंग की बिल्कुल लोकेशन है वो एकदम। और यहाँ से मैं शॉर्टकट मारता हूँ, इस वाले खेत से निकल लेता हूँ, और इस गाड़ी में जो है ऊपर की साइड यहाँ पर जो है लाइटें जल जाती हैं, अभी तो पूरा ये जो है लाइटें ऑन नहीं है, क्योंकि मैं लाइटें ऑन करूँ ये जल गई, तो ये काफ़ी सही लगती हैं छत पे पूरी ये स्टार्स की तरह जो है इफ़ेक्ट आता है, और ये काफ़ी यूनिक फीचर है इस गाड़ी का। और आई की लाइटें भी काफ़ी सही हैं इसकी, और स्पीड भी जो है इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। अभी तो लाइटें मैं बंद कर दूँ, यहाँ से ये वाला शॉर्टकट भी लेना है, यहाँ से भी जो है आगे चलना है, बिल्कुल कोने में जाना है एकदम मैप के। तो ये मैं ऑलमोस्ट सही लोकेशन पर आ गया हूँ, ये लोकेशन सबसे ऊँची हाइट पर है, मतलब इधर की साइड थोड़ा जो एरिया है वो माउंटेन के ऊपर की तरफ का है, और जहाँ पे अपना अभी करंट फार्म है वो थोड़ा नीचे की तरफ का है, वो रिवर के पास है, और यहाँ से बस अभी मुझे थोड़ा सा आगे और जाना है। और ये जो सामने गोल सी बिल्डिंग दिख रही है ये वाली जो जगह है ये भी जो है मैंने परचेस कर लिया, तो ये अपने खेत के अंदर ही जगह आती है, बट ये शायद कोई गवर्नमेंट वगैरह की बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग मेरे को नहीं मिली। बाकी इसके अलावा ये सारी जो जगह अभी चल रही है ये मैंने परचेस कर लिया है, और यहाँ पर ये रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, और यहीं पर जो है मैं गाड़ी रोक के दिखाता हूँ, इधर है अपना सोलर फार्म, तो ये माउंटेन से जो है रास्ता नीचे की तरफ उतर रहा है और यहाँ पे मैंने सोलर फार्म बना दिया है, और ये सामने वाले खेत भी जो है मैंने परचेस कर लिए हैं। तो जो 1 नंबर खेत है इस गेम का वो ये वाला है सामने वाला, जिसमें कॉर्न लगी हुई है, और पहले मैं सोलर फार्म दिखा दूँ, ये सोलर फार्म माउंटेन के ऊपर है, और यहाँ पर इसकी लोकेशन ऐसी है कि सन इस साइड है और इस साइड ये माउंटेन के ऊपर है, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम टाइम सनलाइट रहेगी, तो इनसे जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इस वाले खेत में लगी हुई है कॉर्न, और ये है 1 नंबर खेत, ये मैंने परचेस कर लिया है, ये 2 नंबर है, इसमें लगी हुई है ग्रास, तो ये ग्रास भी जो है अपनी काउस वगैरह के काम आ जाएगी। और 3 नंबर खेत यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, और वहाँ पे ऊपर वाली जो ज़मीन है ये भी मैंने परचेस कर लिया है, एक बार मैं मैप पे भी दिखा देता हूँ। तो ये है बिल्कुल मैप का स्टार्टिंग पॉइंट, 1 नंबर खेत है ये मैंने ऑन कर रखा है, ये 2 नंबर है ये भी ऑन कर रखा है, ये 3 नंबर पूरा यहाँ तक है, और ये वाली जगह मैंने जो है एक्स्ट्रा परचेज किया है ये सोच के कि मैं यहाँ पर जो है अपना फार्म वगैरह कुछ लगा लूँगा, और ये वाली जो बीच में यहाँ पे बिल्डिंग लगी हुई है ये मुझे नहीं मिली, तो इसकी जगह मुझे छोड़नी पड़ी। बाकी ये इसके साइड में जितना भी एरिया है वो सारा मेरा है, ये रास्ता भी जो है मेरा है, यहाँ पे आ रहा है, और टोटल मिला के ये 1, 2, 3 नंबर खेत हो गए और एक ही ज़मीन हो गई। और ऊपर की भी दिखा देता हूँ कि वहाँ पर जो है क्या क्या है उस बिल्डिंग के अलावा, वो बाकी सारा का सारा अपना है, और ये यहाँ पर अपनी गाड़ी इधर खड़ी हुई है, और ये रास्ता सामने तक जा रहा है, गाड़ी ले चलता हूँ एक बार। और वैसे तो ये सारा का सारा जो एरिया है ये खाली पड़ा हुआ है, जंगल ही है,
बस यहाँ पे गाड़ी पार्क करके और पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो यहाँ से गोल गोल घूम के वापस इसी रास्ते पे आ जाएगी। ये इधर से रास्ता बस गोल घूम के यहाँ पे आ जाता है, तो गाड़ी को यहाँ छोड़ के। और ये सारी जो जगह है ये अपनी है, तो ये पूरा जंगल है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई कैंप वगैरह लगा सकता हूँ, जरकील साइड लोकेशन है यहाँ पे, या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह अपनी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। और लिमिट यहीं तक है अपनी ज़मीन की, और इन चार लैंड को परचेज़ करने में ही सारा खर्चा आ गया। और ये मैंने जो यहाँ पे सोलर फार्म मूव किया है, इसे भी जो है थोड़ा सा मूव करने में खर्चा हो गया, मतलब थोड़ा नुकसान हुआ वहाँ से हटा के यहाँ पे लाने में। तो अब बैलेंस बचा ही नहीं है, अब 1.5 लाख यूरो बस बैलेंस बचा है। और इतना तो मुझे चाहिए भी, क्योंकि अभी खेतों में काम करवाना है वर्कर से, तो उनकी सैलरी भी जो है देनी पड़ती है, तो इतना तो रखना पड़ेगा। बाकी पोटैटो की क्रॉप रेडी है और काफ़ी बड़े लेवल पर लगा रखी है, तो अब अच्छा खासा प्रॉफिट आ ही जाएगा। और ये सोलर फार्म भी तो अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा ही, तो अगले महीने तक ये भी जो है 5-6 लाख यूरो का प्रॉफिट दे देगा। बाकी मैं गाड़ी ऊपर छोड़ाया, गाड़ी ले आता हूँ और एक बार 3 नंबर का फार्म भी दिखा देता हूँ। उस फार्म की लोकेशन काफ़ी सही है, फिलहाल यहाँ से जो है मैं गाड़ी ले लूँ। और ये पता नहीं क्या है, ऑब्जर्वेटरी, तो ये ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पे, शायद स्टार्स वगैरह की ऑब्जर्वेटरी होती है वो है। ये थोड़ी ऊँची लोकेशन पर लगी हुई है, ये वैसे मेरे ख्याल सबसे ऊँची लोकेशन है यहाँ की। अभी यहाँ से मुझे नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाने के लिए रास्ता यहाँ से ले लेता हूँ 3 नंबर खेत पे जाने के लिए। वैसे तो अपनी कोई और गाड़ी होती तो मैं सीधा यहाँ ऊपर से उतार देता, बट ये वाली गाड़ी थोड़ी ज़्यादा महंगी है, इसको नहीं उतारता, इसको रोड से लेके चलता हूँ। मेरे को इसलिए यहाँ पर सही लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे घर हैं, और यहाँ पर अपने फार्म बना लूँ तो थोड़ा ठीक रहेगा। और ये जो राइट साइड गार्डन टाइप का सा है, ये ओलिव का गार्डन है शायद, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है अपनी प्रॉपर्टी से बिल्कुल साथ में लगती हुई है ये, पर किसी की प्रॉपर्टी है वो सेल नहीं कर रहा था, तो ये वाली प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिली। बट इसके सामने जो है वो 3 नंबर खेत है, वो मुझे मिल गया है, तो एक बार इसको जो है यहीं पे लगा देता हूँ। ये ओलिव का खेत भी मेरे को काफ़ी सही लग रहा था, ये अगर बिक रहा होता तो मैं इसको भी परचेज़ कर लेता। बट यहाँ से ये जो आगे की ज़मीन है ये सारी सारी अपनी है। और इसमें क्या ये ओट लगा हुआ है, ओट नहीं लगा हुआ, मतलब ओट लगा हुआ था और ये हार्वेस्ट हो चुका है। और ये भी खेत जो है मैंने परचेज़ कर लिया है, और अब टोटल मिला के 3 खेत हो गए हैं। और वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं टेम्प्रेरी जब यहाँ पर काम करूँगा तो इधर यहाँ ओलिव के गार्डन के अंदर ना, वैसे ही ओलिव ही है ना, समझ नहीं आ रहा, देखने में तो ओलिव सा ही लग रहा है, बट जो भी है गार्डन है ठीक है। यहाँ पे अपना कैंप लगा लूँगा इस गार्डन में, और यहाँ पे अपनी गाड़ियों की पार्किंग हो जाएगी, और अपने ट्रैक्टर की जो भी मैं ट्रैक्टर यहाँ पे लेके आऊँगा काम करने के लिए। तो अभी एक बार वापस चल के पहले जो है जितने भी अपने खेतों में पोटैटो लगा हुआ है उसे हार्वेस्ट करने के लिए वर्कर्स को असाइन कर देता हूँ, वो हार्वेस्ट होता रहेगा। और उसके बाद जितने भी खेत अपने खाली पड़े हुए हैं अभी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी 3 खेत परचेज़ किए थे, उन सबको रेडी करना शुरू करता हूँ नेक्स्ट क्रॉप के लिए। और अभी जो है मैंने ट्रैक्टर्स तो काफ़ी सारे ले लिए हैं, और अगर कम पड़ेंगे तो मैं 2-3 ट्रैक्टर और परचेज़ करने की सोचा था, बट बैलेंस नहीं है अभी। और ट्रैक्टर 2-3 नए आए भी हैं, वो मैं अभी दिखा दूंगा, वो काफ़ी सही सही ट्रैक्टर आए हैं। और शायद अब तक जो सबसे पावरफुल ट्रैक्टर है वो भी जो है अब आ चुका है, वो देखता हूँ, वो शायद 1000 BHP का या फिर कुछ ऐसा है, वो मैं देखा नहीं है, एक बार मुझे भी देखना है। और यहाँ से पहले एक बार फार्म पे चल के गाड़ी छोड़ दूँ, या फिर शोरूम पे चलता हूँ, वहीं से जो है पहले हार्वेस्टर लेना है मुझे रेंट पे पोटैटो हार्वेस्ट करने के लिए, और 2-3 हार्वेस्टर लेने पड़ेंगे। तो हार्वेस्टर लेके पहले वर्कर साइन करके फिर गाड़ी ये जो है शोरूम से वापस ले जाऊंगा। ये आ गया शोरूम, और शोरूम पे गाड़ी को तो इसको यहीं पे पार्क कर देता हूँ उधर की साइड, क्योंकि यहाँ पे अपनी आने वाली है मशीनें, और अभी उनको देख लेता हूँ, और बाकी ट्रैक्टर भी देख लेता हूँ कितना पावरफुल है। तो जो नए ट्रैक्टर आए हैं उसमें से लास्ट ट्रैक्टर में देखता हूँ, लास्ट ट्रैक्टर में शायद आया होगा, और ये आया नए ट्रैक्टर यहाँ पे, ये बिग बड़े, एक 450 है, एक 747 है। 450 की पावर तो 450 BHP है, और 747 की 1100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये मेरे ख्याल से अब तक सबसे पावरफुल ट्रैक्टर है, और इसकी तो शेप भी थोड़ी डिफरेंट सी है, और इसमें आगे पता नहीं क्या क्या टर्बो वगैरह लगे हुए हैं, ये 2 शायद टर्बो हैं और 2 साइलेंसर हैं इसके अंदर। और इसकी कॉस्ट वैसे ज़्यादा महंगा तो नहीं है, 4,18,000 का है, बट अभी परचेज नहीं कर सकता क्योंकि बैलेंस नहीं है। इसको देखेंगे अभी जब पोटैटो की क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी तब परचेज करेंगे। और ये यहाँ पे पीछे कैमरा लगा हुआ है या फिर लाइट है, हो सकता है ये कैमरा हो, कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, आके डिस्प्ले वगैरह में दिखता हो, तो शायद इससे पावरफुल तो कोई ट्रैक्टर अभी है नहीं। एक बार देख लेता हूँ और भी वैसे आ रखे हैं, और उसके अलावा ये वाला, ये 2325 का है, ये 326 का है, मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी है। ये एक ये वाला देख लेता हूँ, ये 396 का, ये भी काफ़ी कम पावर का है। तो ये तो सारे मैंने पहले देख ही रखे हैं, 583 है, नहीं सबसे पावरफुल ट्रैक्टर जो है यही वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही अपनी क्रॉप हार्वेस्ट होके थोड़ा सा अमाउंट आ जाएगा, सबसे पहले मैं ये वाला ट्रैक्टर लूँगा, और 1100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की पावर देखनी है कि एक्चुअल में ये क्या क्या चीज़ें खींच पाता है और कितनी आसानी से खींच पाता है। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, काफ़ी आसानी से खींच पाएगा, और इसमें व्हील सेटअप नॉर्मल वाला भी आता है, नॉर्मल वाला भी ठीक ही लग रहा है, ट्विन व्हील्स से ज़्यादा वाइड लग रहा है।
देखते हैं ट्विन व्हील्स लेंगे या फिर नॉर्मल लेंगे, इसके लिए कमेंट करके बता देना कि ये ट्विन व्हील्स में लेना है या नॉर्मल लेना है, क्योंकि इसे मैं परचेस करने वाला हूँ और ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। तो इसके लिए पक्का कमेंट करके बताना, इसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। और कमेंट जो ज़्यादा आएंगी उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि ट्विन व्हील्स में लेना है या फिर जो है सिंगल व्हील्स में लेना है। दोनों ही ठीक हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, बाकी कमेंट करके बता देना। और अब जो है इसके अलावा और देख लेता हूँ, और भी शायद मीडियम में ट्रैक्टर वगैरह कोई आया हो, मीडियम साइज़ में तो लार्ज साइज़ में था, मीडियम साइज़ में तो अभी मेरे को यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। एक ये नया आया है, ये वाला ट्रैक्टर कैसा है, ये 119 BHP का है। और उसके अलावा ये सारे तो मैं लास्ट टाइम परचेस कर ही लिए थे। ये JCB का ट्रैक्टर कौन सा आया है, ये 4220, ये भी शायद नहीं, ये तो मेरे पास है। और ये मैसी का आया है नया ट्रैक्टर, ये सही लग रहा है, 320 हॉर्स पावर का है, साइज़ छोटा है और पावर काफ़ी सही है। और उसके अलावा मैसी के काफ़ी सारे ट्रैक्टर आ गए, ये 7600 आया है, 7700 आया है, और ये वाला तो देख लिया था, ये ले भी लिया था, ये भी ले लिया था, बाकी ये सब तो पुराने ही है। और ये शायद नया आया है, ये ST Max 150, और ये 150 हॉर्स पावर का है, इसीलिए इसका नाम ST Max 150 है। तो स्मॉल ट्रैक्टर्स में भी पर चेक कर ही लेता हूँ। एक तो स्मॉल ट्रैक्टर्स में शायद ये नया आया है, हाँ ये नया है, ये पहले लिया नहीं है मैंने, ये 135 हॉर्स पावर का है, स्मॉल के हिसाब से पावर काफ़ी सही है। और एक ये फीएट वाला ट्रैक्टर है, फीएट 1300, ये मैंने शायद ले लिया नहीं लिया है, अभी तो नहीं लिया है शायद, ये तो देख लेंगे एक बार। वैसे मैंने फोर्ड का लिया था, फोर्ड जैसा ही लग रहा है, हाँ ऐसी ही शेप है, इसको भी ले लेंगे। अब जो है अमाउंट आएगा तो सारे ट्रैक्टर परचेस करनी है और सारे ट्रैक्टर यूज़ में आ भी जाएंगे। ये ST Max 105 है, तो ये 105 हॉर्स पावर का होगा। तो ट्रैक्टर तो और काफ़ी सारे आ गए हैं, अब ये नेक्स्ट वीडियो में सारे इकट्ठे परचेस करने पड़ेंगे। बाकी मुझे भी पोटैटो की फार्मिंग के लिए लेना है, तो पोटैटो टेक्नोलॉजी में ये वाला, एक तो ये वाला हार्वेस्टर आता है। एक्चुअली क्या है ना, पोटैटो क्रॉप को डायरेक्ट हार्वेस्ट नहीं कर सकते, उसको हार्वेस्ट करने से पहले जो है ये वाली मशीन यूज़ करनी पड़ती है। और इस मशीन से जो है उसके ऊपर के जो थोड़े से प्लांट्स उगे होते हैं, मतलब पोटैटो ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो वो जो ऊपर वाले हैं वो काटने पड़ते हैं, इसको होम टॉपर बोलते हैं। और जो फोलियज होती है, जो ऊपर का पोर्शन होता है, उसको काट देता है ये। तो जब ऊपर की फोलियज कट जाती है, उसके बाद खेत रेडी हो जाता है हार्वेस्ट करने के लिए, तब ये नॉर्मल वाला हार्वेस्टर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है पोटैटो की ज़मीन से डिग करके निकाल लेता है। बट इसका दूसरा ऑप्शन भी है, इसका दूसरा ऑप्शन है ये वाली मशीन। ये वाली मशीन जो है तो काफ़ी ज़्यादा महंगी, 5,99,000 यूरो की, और लीज पे ही महंगी आएगी। बट ये दोनों काम एक साथ कर देती है। तो इसमें आगे जो है ये होम टॉपर लगा हुआ है, ये फोलियज को काट देता है, और पीछे से इसमें हार्वेस्टर लगा हुआ है, ये हार्वेस्टर जो है ज़मीन से पोटैटो को डिग करके यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है। अब मुझे देखना पड़ेगा इसकी कैपेसिटी कितनी है, और फिर जो है इसके साथ ट्रॉली मुझे अटैच करके बार बार इसे खाली करना पड़ेगा। तो वैसे मुझे ये चार चाहिए, क्योंकि चार खेत हैं और चारों खेतों में मुझे अलग अलग लगाना है, या फिर मैं तीन ले लेता हूँ तो लीज पे कॉस्ट करेगा अराउंड 30,000 यूरो। तो तीन तो लेने हैं ही, अब ले लेता हूँ इनको, तीन को ले लिए तीन, और 90,000 बैलेंस तो मेरा यहीं पर खर्च हो गया। और ये आ चुके हैं तीनों यहाँ पे, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो एक्चुअली तो काफ़ी ज़्यादा लेंथ है इसकी, लेंथ तो उसकी बहुत ज़्यादा है। तो चलो एक एक करके लेके चलता हूँ, और इसमें आगे भी छोटे टायर है यहाँ पे। और पहले तो जो है सामने वाले खेत में ही लगा देता हूँ, या फिर सबसे पहले दूर वाले खेत पर लगा के आता हूँ, जो खेत सबसे ज़्यादा दूर है रेलवे लाइन के पास। और इसकी मैक्सिमम स्पीड 27 की है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्लो चलेगा, ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। और वापस करने में तो कोई इशू नहीं है, वापस करने में तो जब काम हो जाएगा मैं इसको वहीं से वापस कर दूंगा, तो वहीं से रिटर्न हो जाता है, यहाँ ला के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अंदर क्या क्या है इसमें, अंदर इसमें एक डिस्प्ले है, और डिस्प्ले में क्या ये मैप सा बना आ रहा है पूरी मशीन का। और यहाँ पे कंट्रोल है, ऊपर स्पीकर है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसको मुड़ने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। और सामने वाला खेत है, अगर इससे मेरे को दूर वाले खेत पे जाना पड़े तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए वहाँ पे इतनी दूर पोटैटो नहीं लगाऊंगा, पोटैटो आसपास ही लगाऊंगा यहाँ पे, ताकि जो है ये मशीन इजीली यहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि स्लो काफ़ी ज़्यादा है। या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, इस मशीन को जब मुझे दूर लेके जाना होगा ना, तो मैं जो अपना ट्रेलर है टेस्ला का ट्रक वाला, उसके पीछे इसको लोड करूँगा और वहाँ पर ले जाऊँगा, तो वहाँ फटाफट पहुँच जाएगा। और वैसे मैं अभी भी ये वाला काम कर सकता था, जल्दी गया था, बट कोई नहीं, अब तो मैं इसको ले आया, पहुँचा देता हूँ वहाँ तक। और सामने से ट्रेन आ रही है, और ट्रेन निकल जाएगी अभी, और ट्रेन का तो मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी ट्रेन को देख के ध्यान आया कि एक बार जो है यहाँ से मैं ट्रैक्टर लेके जा रहा था, तो ट्रेन ने जो है टक्कर मार के ट्रैक्टर को पलटा दिया था। और ये मशीन अगर पलट गई ना, तो फिर तो सीधी इजीली होनी नहीं है, मुझे वापस ही करनी पड़ेगी। और यहाँ से तो निकल जाएगी, हाँ थोड़ा जंप लिया बट निकल गई यहाँ से। और इस साइड से ले लेता हूँ, यहाँ से जो है लगाना शुरू करता हूँ इसको। और इस ये खेत तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें तो जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सारा के सारा खुल जाता है यहाँ से, ये खुलेगा तो हार्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा, सारा फोल्ड हो रखा था।
अच्छा आगे से और भी जो है आगे की तरफ जाता है तो इसकी लेंथ और भी बढ़ जाती है। ये इस वाले फील्ड में क्या इशू आ रहा है इसको? एक मिनट देख लूँ, ये अभी क्रॉप रेडी नहीं हुए क्या? ओह अभी तो ये रेडी नहीं हुआ है पोटैटो का। ये तो मैं ले भी आया, जुलाई तो होगी है, एक बार देख लेता हूँ, रेडी तो हो जाना चाहिए था। पोटैटो अभी जुलाई में रेडी नहीं होता, मेरे को जुलाई अगस्त का ध्यान था और ये अगस्त में रेडी होता है। अगस्त और सितंबर में हार्वेस्ट होगा, तो अभी एक काम करना पड़ेगा, एक बार मुझे फार्म पे जाके सोना पड़ेगा ताकि जो है गेम आगे हो जाए और अगस्त में पहुंच जाए, अगले महीने में पोटैटो हार्वेस्ट कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, इसको यहीं पे लगा रहने देता हूं। तो मुझे पोटैटो पहले यहां पे आके चेक कर लेने चाहिए थे एक बार ना कि ये रेडी हुए हैं नहीं हुए। मैं कॉन्फिडेंस में था कि जुलाई ही है, बट वो अगस्त का मंथ था, अगस्त सितंबर था, मेरे को जुलाई अगस्त का जो है याद आ रहा था। तो गेम को आगे बढ़ा लेते हैं और गेम को आगे बढ़ाने पे एक महीने गेम आगे हो जाएगा तो अपना जो है थोड़ा रेवेन्यू भी आ जाएगा, क्योंकि जो सोलर फार्म है उससे हर महीने जो है इनकम आती है। तो अब जब एक महीना आगे हो जाएगा तो उससे भी 5-6 लाख यूरो आ ही जाएंगे। तो अब यहाँ पे सुझाता हूँ, एक महीने आगे हो जाएगा, तो एक महीने आगे हो गया, अगस्त हो गया है और यहाँ पे जो है अपने महीने के खर्चे थे वो सारे के सारे ऊपर दिख रहे हैं। काफ़ी सारे खर्चे भी हुए हैं और प्रॉपर्टीज इनकम भी आई है, बट काफ़ी कम आई है, सिर्फ 151,000 आई है और खर्चे काफ़ी सारे हो गए। तो जो इतने सारे खर्चे हैं वो मुझे ध्यान आया कि मैंने 3 हार्वेस्टर तो पिछले महीने जुलाई में ही ले लिए थे और उनका मंथली रेट 30,000 यूरो था एक हार्वेस्टर का, तो 90,000 तो उनके कट गए होंगे, तो इसलिए जो है काफ़ी कम बैलेंस आया है। तो ये रहा हार्वेस्टर और अब तो पोटैटो की हार्वेस्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया, मतलब ये पोटैटो क्रॉप रेडी हो चुकी है। तो अभी ये दोनों काम एक साथ कर रहा है, ये ऊपर से क्रॉप को काट भी रहा है और नीचे ज़मीन से पोटैटोज़ को निकाल भी रहा है, और पोटैटोज़ यहाँ पर आने लग गए होंगे ऊपर। एक बार पीछे से देखता हूँ या इस पर चढ़ के ही देख लेता हूँ ऊपर, ये पोटैटो जो है पीछे आने लग गए हैं और पोटैटो ठीक है, मेरे को लग रहा है शायद मेरे को अगले महीने इन्हें हार्वेस्ट करना चाहिए था, बट कोई नहीं, चलो अभी भी जो है रेडी है, हार्वेस्ट कर ही लेते हैं, थोड़ा अमाउंट भी चाहिए तो इसलिए अगले महीने का वेट नहीं करता। बाकी यहाँ से पोटैटो जा रहे हैं आगे से काफ़ी सारे, ये दिख रहे हैं आगे से पोटैटो जो यहाँ से, ये इसकी जो बेल्ट सिस्टम के थ्रू जा रहे हैं। अब दूसरे जो दो हार्वेस्टर हैं उनको दूसरे खेतों में लगा देता हूँ, तो यह दूसरे वाला इसको जो है सामने वाले खेत में लगा देता हूँ और फिर जो एक और है उसको रिवर के दूसरे वाले खेत में लगा दूंगा। ये यहाँ पे साइन कर दिया है तो ये दीदी खोल लेगी इसको, पूरा स्टार्ट कर लेगी, इसका वेट नहीं करता। तो मैं जो है तीसरे वाले को लेके चलता हूँ। यहाँ पे वर्कर साइन कर दिया, यहाँ पे तो भाई साहब आए हैं, बाकी दो जगह बहन जी काम कर रही हैं, तो इस भाई साहब को और बहन जी को काम करने देते हैं, ये अपना काम कर लेंगे सही से, बाद में एक बार ट्रॉली लेके आऊँगा ये सारे पोटैटो भर के ले जाऊँगा। अभी चलता हूँ नए वाले फार्म पे, एक ट्रैक्टर लेके जाना पड़ेगा और एक मुझे वहाँ पे जो है कल्टीवेटर चाहिए होगा, क्योंकि एक खेत खाली पड़ा हुआ है, दो खेत में तो क्रॉप लगी हुई है, मतलब एक में ग्रास है और एक में कॉर्न लगा हुआ है और एक जो है ओट लगा हुआ था वो पर हार्वेस्ट हो रखा है तो वो खाली है, उसको कल्टीवेटर से रेडी करना पड़ेगा। और एक ट्रैक्टर मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इस वाले ट्रैक्टर को ले ही चल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रैक्टर है, ट्रक है, मदर ट्रक को ट्रैक्टर बनाया हुआ है, वैसे तो ये ट्रैक्टर ही है बट ट्रक की शेप में है, और इसमें पीछे कल्टीवेटर अटैच कर लेता हूँ यहाँ से, और इसके बाद उसे ले जाके 3 नंबर खेत में लगाना है, 3 नंबर खेत में लगा देता हूँ और वहाँ पे देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। इसको मुझे चेक कर रहा था क्योंकि जो लास्ट टाइम 6 ट्रैक्टर परचेज़ किए थे उसमें सबसे सही मेरे को यही लगा कि मेरे को लगा ये सबसे सही परफॉर्म कर लेगा। वैसे तो मैं इस वाले कल्टीवेटर को ना परचेज़ भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस कल्टीवेटर की बार बार जरूरत पड़ेगी, इतने सारे खेत हो चुके हैं, और वैसे ये ट्रक जो है ना काफ़ी देर में जाके स्टार्ट होता है, पहले स्टार्ट होने पर इसका इंजन अलग तरह की साउंड करता है और स्टार्ट होने के बाद अलग तरह की साउंड करता है। हाँ ये इससे हो गया अटैच, बस अब इसको लेके चलता हूँ और वो वाला जो है खेत काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो अभी अंदर का व्यू कर लेते हैं और चलते हैं, काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना है। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस की यहाँ तक इसको लाने में कि इस पे लोड बिल्कुल नहीं पड़ रहा, कैसा भी रोड आए, मतलब फ्लैट आ रहा है या फिर यहाँ पे चढ़ाई आई है, ये एक ही तरीके से चला जा रहा है। तो इसका इंजन मतलब पावरफुल काफ़ी सही है और वैसे जो है स्पीड तो ज़्यादा नहीं है, 35 की है, ट्रैक्टर के हिसाब से ठीक है, ट्रैक्टर की इतनी ही होती है। वैसे अपने खेत यहाँ से आसानी से दिख जाते हैं, वो सामने ऑब्जर्वेटरी जो दिख रही है उसी के पास जाना है तो दूर से पता चल जाता है कि अपने खेत हैं कहाँ पे नए वाले। और ऊपर ये एक हॉट एयर बैलून उड़ रहा है और ये उड़ता रहता है, कभी नीचे आएगा तो उसके पास जाके देखेंगे, कभी तो नीचे उतरता होगा किसी खेत में। और ये अपना 3 नंबर खेत तो सामने वाला ही है और इसके पास ये यहाँ पे कुछ ये ग्रेन मिल वगैरह भी कुछ टाइप की सी है। अच्छा ये तो रीजन्स वाला है, मैंने एक बार यहाँ पे जो है ग्रेप सप्लाई किए थे। अभी इस साइड से लगाना स्टार्ट करते हैं, ऐसे लगाता हूँ, ऐसे ठीक रहेगा। अभी पता भी चल जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, कोई लोड नहीं पड़ रहा, अगर लोड पड़ रहा था तो उसके इंजन की आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती, बट बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, कोई लोड नहीं है इसके ऊपर। तो ये एक्चुअल में काफ़ी सही परचेज़ थी कि ये वाला ट्रैक्टर मैंने परचेज़ किया, और इसकी मेरे को इंजन के पावर का फिगर्स तो पता नहीं है कितना है, ध्यान नहीं है, क्योंकि 6 ट्रैक्टर मैंने परचेज़ किए थे,
बट ये सही परफॉर्म कर रहा है, तो इसको तो यहाँ काम करने देता हूँ। यहाँ वर्कर साइन कर दिया है, पूरा खेत हार्वेस्ट कर देगा, ज़्यादा बड़ा खेत है नहीं। और एक बार चल के हार्वेस्टर्स को देख लेता हूँ कि हार्वेस्टर्स जो है कितने फुल हो गए। और वैसे मैं यहाँ तक आ तो गया और गाड़ी वगैरह कोई लेके नहीं आया, कोई नहीं, चलो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पे भी एक गाड़ी ला के मैं पार्क कर दूंगा, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक गाड़ी यहीं पर छोड़ देता हूँ। एक बार ट्रक में जो है पीछे सारे व्हीकल्स लोड करके लेके आऊँगा जो भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और उन्हें यहाँ पे ला के पार्क कर दूंगा। तो ये रही अपनी गाड़ी, और ये वाला हार्वेस्टर सामने वाला ही रुका पड़ा है मेरे ख्याल से। ये गाड़ी जो है ज़्यादा तेज एकदम से जो है जंप करा दी मैंने, अब भाग क्यों गया यहाँ से। अबे इसको क्या हो, ये फुल तो नहीं हुआ होगा, ये तो खाली पड़ा हुआ है। अबे ये क्या किया इस वर्कर ने, कैसे खेत को हार्वेस्ट किया है यार, ये गधे ही है। यहाँ पे जो है वो बहन जी काम कर रही थी ना, मेरे को लगा सही से काम कर लेगी, और ये क्या बीच में से लाइन बना के भाग गया यहाँ पे छोड़ के हार्वेस्टर को। चलो अब की बात है दूसरा वर्कर आया है, इसको भी देखते हैं ये सही काम करता है नहीं करता। वैसे अभी तक तो जो है सीधा ही लेके जा रहा है, सही काम कर ही रहा है। मैं दूसरे वाले हार्वेस्टर्स को देख लेता हूँ, वहाँ पे भी जो है क्या पता कोई गड़बड़ कर रखी हो। इस वाले खेत में तो काम चल रहा है अभी, तो यहाँ तो हार्वेस्टर काम कर रहा है, मतलब ये अभी जो है फुल नहीं भरा है, तो इसमें अभी टाइम लग गया। और जो सामने वाला है इसको चेक कर देता हूँ, ये शायद फुल भर गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा खेत है, मेरे को लगता है एक बार में सीधा जाएगा ना तभी फुल भर जाएगा। अभी तो वैसे यहाँ से एक बार ही गया है। और इस खेत की मैं लेंथ भी एक बार दिखा देता हूँ गाड़ी से कि कितना लंबा खेत है ये, और ये अभी तो खेत चला नहीं जा रहा है, और मेरे को लगता है हार्वेस्टर वहाँ से वापस नहीं आया होगा, सीधा जाने में ही फुल हो गया होगा। अभी हार्वेस्टर शायद रुक के खड़ा हुआ है, हाँ रुक गया, इसकी लाइट जल रही है तो ये फुल हो चुका है और फुल होके यहाँ वेट कर रहा है। और एक बार यहाँ तक लाने में ही फुल हो गया, तो मतलब अब की बार जब यहाँ से वहाँ जाएगा तो भी फुल हो जाएगा। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक बार इसकी कैपेसिटी भी देख लूँ, 22,500 लीटर कैपेसिटी है, तो काफ़ी सारे आलू आ गया है। इसकी विड्थ है, मेरे को लगता है कम से कम 25-26 बार तो इस खेत में घूमेगा, ये 25-26 बार फुल होगा, तो काफ़ी सारा पोटैटो निकलने वाला है यहाँ से। तो इस गाड़ी को यहीं पार्क कर देता हूँ साइड में, इस साइड थोड़ा ट्रेन की लाइन से दूर पार्क करता हूँ, नहीं तो यहाँ ट्रेन आएगी टक्कर वक्कर मार देगी। और एक ट्रैक्टर ट्रॉली ले आता हूँ, इसको जो है हार्वेस्टर को खाली करना पड़ेगा बार बार। और मैं इस वाले ट्रैक्टर को ले आया हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में परचेज किया था, और इसके टायर काफ़ी ज़्यादा पतले थे और काफ़ी ज़्यादा वाइड थे, आगे से भी कितने ज़्यादा वाइड टायर है, तो ये ट्रैक्टर मेरे को सही लग रहा था, इसको मैं ट्रॉली पर अटैच करके छोड़ दूँगा। और गाड़ी सामने से आ गई, अबे देख तो ले रुक जा, गाड़ी वाला भी जो है साइड नहीं कर रहा है, बिल्कुल वहीं पर ब्रेक मार के खड़ा हो गया। और इस ट्रैक्टर की जो है स्पीड तो वैसे 30 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है, बट ट्रॉली के हिसाब से ठीक लग रहा है मेरे को। और इसके अंदर ये मैंने जो है लास्ट टाइम स्क्रीन वगैरह एक्स्ट्रा अटैचमेंट में लगवाई थी, और सामने जो है इसमें आरपीएम आ रहा है कि इंजन आरपीएम कितना है, और ये स्पीड आ रही है 29 समथिंग दिखाया डिजिटल में, तो 30 की है ये, इधर जो है एनालॉग वाले मीटर में 30 दिखा रहा है प्रॉपर पूरी। और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे विंटेज कार्स आती थी, तो विंटेज कार्स की तरह ही इसकी लुक है, विंटेज कार्स के टायर भी ऐसे से ही होते थे, बाहर को निकले थे तो थोड़ी वाइड सी होती थी, और ये भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे को लग रहा है इस खेत की लेंथ जो है 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गई है, इतना ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ तक आने में। और ये पोटैटो वाला हार्वेस्टर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो मेरे को लग रहा है यहीं से अनलोड करेगा, एक बार यहाँ पर लगा के देख लेता हूँ, हाँ यहीं से अनलोड कर रहा है, तो ये अनलोड होना शुरू हो गया। और इस ट्रॉली की कैपेसिटी से जो है कमी है, तो ये ट्रॉली एक बार में फुल नहीं होएगी, तो अभी तो ये 50% फुल हुआ है, मतलब ये जो हार्वेस्टर जब दो बार पूरा फुल हो जाएगा तो ये ट्रॉली फुल होएगी, और अभी तो ये 25-26 बार जो है पूरे खेत में घूमने वाली है मशीन, तो मुझे 12 बार तो कम से कम ये वाली ट्रॉली जो है ले जानी पड़ेगी फार्म पे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो मैं पोटैटो का प्रोसेसिंग का प्लांट लगाने की सोच रहा हूँ, मतलब वहाँ पर एक फैक्ट्री हो जाएगी जिसमें पोटैटो जो है मैं प्रोसेस करके आगे बेच सकता हूँ, तो वो लगाएंगे, और अगर वो नहीं लगाया तो मैं डायरेक्ट मार्केट में इसको सेल कर दूंगा, और फिर उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे मुझे नए ट्रैक्टर परचेज करने हैं, और जो सबसे पावरफुल ट्रैक्टर आया सबसे पहले वो परचेज करना है। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।